लता मंगेशकर से जुड़ी 5 फैक्ट्स। फैक्ट्स नंबर 1, लता मंगेशकर का पहला गाना फिल्म से हटा दिया गया था। लता ने अपने करियर का पहला गाना नाचू या गाड़े खेलो साड़ी मनी हौस भरी 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था, जिसका नाम किटी हसल था, लेकिन दुर्भाग्य से इस गाने को फिल्म से फाइनल कट से हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 2, लता दीदी कभी भी अपने गाना नहीं सुनती है। लता मंगेशकर ने एक बार बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा था कि वे अपने गाना कभी नहीं सुनती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके गाने में बहुत सारी गलतियां हैं। फैक्ट नंबर 3, लता मंगेशकर ने राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। लता का 1999 से 2005 तक एक संसद के रूप में एक संक्षिप्त कार्यालय था। फैक्ट नंबर 4, उनके पसंदीदा संगीत निर्देशक यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन थे। फैक्ट नंबर 5, लता मंगेशकर ने अपना आखिरी गीत सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया, जिसे मयूरेश पाई ने भारतीय सेना और राष्ट्र को श्रद्धांजलि के रूप में संगीतबद्ध किया था। यह 30 मार्च 2019 को जारी किया गया था।